अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा पंचायत भवन में चित्रगुप्त जयंती और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना वन एवं पर्यावरण स्वतंत्र राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने की और संचालन संयुक्त रूप से दीपक सक्सेना, नीतू सक्सेना, शिल्पी सक्सेना ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अल्पना रितेश गुप्ता द्वारा चित्रगुप्त भगवान के चित्र पर फूलमाला पहनाकर और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर 50 कायस्थ रत्न से बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। बिटिया सौम्या सक्सेना ने नारी सशक्तिकरण पर अपना जोरदार उद्बोधन दिया, जिसका सभी ने जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया। बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संयुक्त व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार अग्रवाल, आशुतोष गुप्ता, विपिन कुमार गुप्ता, धवल दीक्षित, रवि यदुवंशी को मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के द्वारा सराहना की गई, साथ ही सभी को बधाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदीप सक्सेना द्वारा इस पर कार्य करना सराहनीय है। आज बड़ी संख्या में यहां लोग उपस्थित हुए हैं। बच्चों द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई है। बुजुर्गों का सम्मान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्र अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने कहा कि योगी जी की ये बात, बटोगे तो कटोगे, हमारे कायस्थ समाज पर भी लागू होती है। कभी हमारा साम्राज्य था, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री देश को आजाद करने के लिए अपनी सेना का निर्माण करने वाले सुभाष चंद्र बोस, युवाओं में जोश भरने वाले स्वामी विवेकानंद, राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाले जयप्रकाश नारायण अपनी ही कौम में बट गए हैं, जबकि हम एक ही पिता की संतान है। इसी कारण हमारे भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर अन्य लोग अपनी पोस्ट भी नहीं लगाते। अब समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम कायस्थ महासभा, जो कायस्थ समाज है, उसके लिए प्रदीप सक्सेना जी, नीतू सक्सेना जी और उनकी टीम ने सजोया है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, बेटियों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। बच्चे ने बेटी बचाओ के लिए जो लाइनें कही हैं, बहुत सुंदर लाइन कही हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप करता है, समाज के जो कार्य होते हैं उसमें वो हिस्सा लेता है। चाहे हम इसे कायस्थ समाज कहें, पंजाबी समाज कहें, कोई भी समाज कहें, हम सब हैं तो सनातन धर्मी, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम सब भारत माता की जय कहते हैं तो जय ही कहेंगे। हम सब संस्कारी हैं। मुरादाबाद के अंदर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसके संयोजक हैं प्रदीप सक्सेना एडवोकेट जी, उन्होंने यहाँ पे बुज़ुर्गों का सम्मान किया और कुछ लोगों ने अपने समाज के वो लोग जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया उनका सम्मान, तथा जो लोग शहर के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं उनका सम्मान किया गया। उस कार्यक्रम में मैं आया था। मंत्री जी, इसके अलावा यूपी में उपचुनाव चल रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे? उपचुनाव में तो 9 के 9 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार भाजपा की कोई बयानबाजी चलने वाली नहीं। विपक्ष के दावे में कोई दम नहीं है। उधर 370 को वापस लाने के लिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वो वापस नहीं होगी, क्या लगता है आपको? वापस नहीं होना है वो, किस तरह से काम कर रहे हैं? वो वापस ही नहीं होगी 370। वो वैसे ही कह रहे हैं कि 15 मिनट हटा लीजिए, हम देख लेंगे पूरे हिंदुस्तान के लोग, क्या लगता है? अभी इस मामले में तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए। आपको आपके हिसाब, मैंने बताया, इस मामले में मुख्यमंत्री जी से पूछिए। चुनाव आयोग द्वारा जब तारीखें बढ़ाई गई हैं, एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, विपक्ष का कहना है कि हारा हुआ मान रहे हैं अपने को, तभी ये तारीखें बढ़ाई गई हैं? नहीं नहीं, तारीखें सभी जगह की बढ़ी, सिर्फ यहीं की थोड़ी बढ़ी हैं, सभी जगह जहाँ उपचुनाव है वहाँ की बढ़ाई गई है, क्योंकि इधर कुछ त्यौहार वगैरह थे इसलिए बढ़ा दी गई। अब दिवाली है, गंगा स्नान है, लोगों को आने जाने में वोट डालने में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने डेट उसके आगे कर दी। क्या लगता है आपको, 9 की 9 सीटें? आप 9 की 9 सीटें। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ होकर हम 9 सीटें जीत रहे हैं। अब वो तो जो भी कहें चाहे कहें, लेकिन असलियत में जीत हम रहे हैं, जनता हमारे साथ है। अच्छा, विपक्ष का पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। भाजपा कह रही है कटेंगे तो बटेंगे, कांग्रेस कह रही है कि बटेंगे तो जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा बिल्कुल सही है, हम उसी को मानते हैं।
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 15 मिनट को अगर हिंदुस्तान की फोर्स को हटा लें तो हम सबको जवाब देने के लिए तैयार। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए। देखिए हमारी कायद सभा की हमारी जो कायद सभा है उन्होंने हमने एक पोस्ट मोर्टम टाइप किया है। बुजुर्ग जो भी यहाँ पे हमारे परिवार के लोग हैं वहाँ जाएंगे, जो नियमानुसार जो छूटें होती हैं उन्हें वो मिलेंगी। अभी हमने एस एन विवेकानंद द्वारा भी हमने टाइप किया है, आज उनका एक कैंप भी लगा था यहाँ पे एस एन वालों का। उन्होंने यहाँ पे ब्लड शुगर और कई तरह की जो जाँचें जनरल जाँचें होती हैं उनकी जाँच की हैं, आँखों का उन्होंने जो जाँचें वो करी हैं। और 13 तारीख को उन्होंने कैंप लगाया उन्होंने विवेकानंद वालों ने, उन्होंने कहा है आप लोगों को जो भी लोग जिन्हें समस्याएं हैं उनकी समस्या दूर की जाएंगी और जो संभवता जो उनका ऑपरेशन होगा वही फ्री एंड कॉस्ट किए जाएंगे। आज कुल मिला के कितने लोगों को सम्मानित किया? देखिए करीब हमारे यहाँ तो संख्या तो काफ़ी थी बुजुर्गों में, कम से कम 40 बुजुर्गों को हमने सम्मानित किया, बच्चे भी कम से कम 40-50 बच्चे थे हमारे उन्होंने सम्मानित किया, और जो हमारे कायस रतन के नाम से सम्मानित लोग थे करीब 25 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, और कुछ अदर जो बच्चे हैं जो टॉपर रहे हैं जैसे कि रामपुर से बच्चा आया था उसने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया तो उसे हमने भी सम्मानित किया यहाँ पर, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके 98% नंबर थे उन्हें भी सम्मानित किया। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देखिए एक ही है कि मेरा तो ये कहना है कि हमारे योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मगर मैं ये कहता हूँ इस नारे को अगर आप इस तरह से देखेंगे कि बटोगे तो कटोगे, हम जाति में भी बढ़ रहे हैं आजकल हमारे कई समाज में। मैंने यही बात कहना सबसे कहना चाहता हूँ, कई समाज में भी आप जातिवाद है हमारे यहाँ, ये सक्सेना है, ये माथुर है, ये भटनागर है, ये श्रीवास्तव है, इस तरह की जो प्रथा हमारे यहाँ चल रही है ये ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले नीचे की सीढ़ी को पक्का करिए, बाद में ऊपर की सीढ़ी को पक्का करिए। हम लोग एक चित्त भगवान की संतान है, हमारा एक परमात्मा है, भगवान है, चित्त भगवान, उसके हम अनुयायी हैं, हम उस पर कार्य करते हैं। मेरा आप तमाम कायस्थ लोगों से मेरा निवेदन है कि जातिवाद में ना पढ़कर संगठन जो कार्य कर रहा लगातार उस पर आप ध्यान दें, उसके संग लगें, और जो लोग कुछ समय के लिए ही कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपको पब्लिक देखती है कौन का इस समाज काम कर रहा है। हमारी संस्था ने लगातार कोरोना काल में काम किया, आपने देखा होगा, आप लोग इसका कमाए जी, और जितना हम लोगों से होता है हम उतना कार्य काय समाज के लिए करते हैं। और देखिए हमने कोरोना काल के अंदर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, हमारा मकसद ये है कि अगर हमारे देश पर विपत्ति आती है तो उसके लिए हमारा समाज लगातार कार्य कर रहा है और करना भी चाहिए।